संभावनाएं तो अपार हैं। ये एक पहला कदम है। उत्तराखंड में पहली बार किसी स्कूल में स्कूल के बच्चों के लिए FTI जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थान ने कोई कार्यक्रम किया है। देखिए, हर राज्य का, हर क्षेत्र का अपना एक चरित्र होता है। उत्तराखंड की आत्मा में ही कला है। यहाँ के लोक नृत्य, लोक संगीत, हर चीज़ यहाँ में, यहाँ पे, यहाँ की हर चीज़ उसमें एक सुर है, एक रस है। तो ऐसे में यहाँ के बच्चों का ललित कलाओं के प्रति, अभिनय के प्रति रुझान होना सहज है, स्वाभाविक है। ठीक है, संसाधन तो हमेशा सीमित होते हैं। वो सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, हर जगह संसाधन सीमित होता है। लेकिन उन संसाधनों को फिर बढ़ाना चाहिए, और जहाँ पर संसाधनों की कमी है, खासकर सिनेमाटोग्राफी या फिल्म मेकिंग या अभिनय का क्षेत्र हो, तो उसमें FTI के तरफ से हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि जब जब उत्तराखंड के दूसरे ज़िलों में भी इस तरह के कोई कार्यक्रम के लिए हमें निमंत्रण मिलेगा तो हम ज़रूर इसको करना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के कम से कम 46 अल्प अवधि के कोर्स FTI की तरफ से देश के 13-14 शहरों में हो चुके हैं। तो ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं है, हम अंडमान निकोबार से लेकर लद्दाख से लेकर जयपुर, गुवाहाटी, पुणे, नागपुर, अमरावती, हरिद्वार और हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, ऐसे अनेक शहरों में इस तरह के अल्पावधि के कार्यक्रम कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये आज हमारे लिए है कि नवोदय विद्यालय में हमारा FTI के माध्यम से ये ट्रेनिंग कोर्स हुआ है, जिसमें फिल्म एक्टिंग का कोर्स है और फिल्म मेकिंग का कोर्स 10 दिन का ये बच्चों को सिखाया गया है। इसमें लगभग 36 पार्टिसिपेंट थे और फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो उनको सिखाने के लिए आए थे। तो एक अच्छी पहल है, क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी युवाओं को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में भी करियर बनाया जा सकता है। और उसके लिए आज हमारे बीच संस्थान के डायरेक्टर श्री भूपेन्द्र कंठेला जी स्वयं मौजूद थे। तो जनपद के लिए भी ये गर्व की बात है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट के निदेशक हमारे बीच हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने नवोदय विद्यालय में ये पहल की है, इसके बाद जो हमारे जनपद के युवा हैं, जो भी बेरोजगार युवा हैं, जो फोटोग्राफी में अच्छा कर सकते हैं या फिर जो सिनेमेटोग्राफी में कर सकते हैं, फिल्म एक्टिंग में कर सकते हैं, तो मेरी सर से बात हुई है कि हम लोग आगे भी इसको जारी रख सकते हैं और 15-20 दिन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज के साथ साथ और जो छात्र अप्लाई कर सकते हैं FTI के अलग कोर्सेज के लिए, तो एक नई पहल मानी जा सकती है और उत्तराखंड के अन्य जनपदों में भी इसका अगर शुरुआत होती है तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। सर, जो कि ये 10 दिन की जो वर्कशॉप रही, सर इसमें तो सर हर दिन हमने बहुत कुछ सीखा, हर दिन सर ने हमें अलग अलग चीज़ सिखाया। मतलब लगभग हम ये कह सकते हैं कि जो FTI में लोग 3 दिन की, मतलब 3 साल की जो लोग ट्रेनिंग वहाँ पे लेते हैं, उसका सर ने हमें बेसिक बताया यहाँ पे। तो सबसे पहले सर ने हमें ये बताया कि व्हाट इज़ फिल्म मेकिंग। तो आम भाषा में तो हम ये जानते हैं कि हीरो हीरोइन एक्टिंग करते और पिक्चर बन जाती है, पर रियलिटी में मतलब उतना रियलिटी तो ये है कि सिर्फ हीरो हीरोइन के एक्टिंग करने से फिल्म नहीं बनती है, उसके लिए एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर और एक टीम होनी चाहिए। पूरे एक फिल्म के पीछे हज़ारों लोग काम करते हैं, ना कि सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस काम करते हैं। जबकि सबसे पहले हमने ये सीखा कि फिल्म मेकिंग क्या है, तो फ्रेम्स के थ्रू जब हम फोटोज़ इमेजेस को फ्रेम्स के थ्रू हम स्टोरी में बताते हैं, वही फिल्म मेकिंग होता है। जो अखरोट में जो संतरा और केला अच्छा नहीं है, फिर उन्होंने बोला संतरे क्लासेस है उनको चलाने के लिए हमें यहाँ पर। जब पहली बार सर से मेरी बात हुई तो हम एक्टिविटीज हैं जो आपने ट्रेनिंग ली, अभी फिल्म टेलीविजन की ट्रेनिंग, एक्टिंग की ट्रेनिंग, फिल्म में अभिषेक सिंह कक्षा